गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्यखंड से चैप्टर 4 आत्मकथ्य पढ़ रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं, जिसमें हमने आपको पाठ में बताया था कि मुंशी प्रेमचंद के संपादन में निकलने वाली तत्कालीन पत्रिका हंस के आत्मकथा विशेषांक हेतु सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद से भी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। लोगों के कहने पर भी वे आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ भी विशेष नज़र नहीं आता था जिसे वे दूसरों के सामने रख सकें। इसी सहमति के विचार से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य, जो आपके पाठ्यक्रम में है। ये कविता पहली बार वर्ष 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। कवि ने इस कविता को छायावादी शैली में लिखा है। कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली तथा ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने इसमें स्वयं को एक साधारण व्यक्ति माना है, जिसमें ऐसा कुछ भी महान एवं रोचक नहीं जिससे लोग प्रेरित हों और सुख प्राप्त कर सकें। ये दृष्टिकोण महान कवि की विनम्रता को प्रदर्शित करता है। देखिए अपने नेक्स्ट पद्यांश में यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि वह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। एक बार फिर से सुने कि ये विडम्बना से तात्पर्य है दुर्भाग्य। अरे सरलता से मतलब है कि सरल मन वाले, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना होता है धोखा और उज्जवल गाथा होता है सुख भरी कहानी। आलिंगन मतलब बाहों में भरना और मुस्कुराकर। तो यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वयं देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। तो यहाँ कभी कहना चाहते हैं कि ये तो दुर्भाग्य की बात है। विडम्बना में हमने आपको क्या बताया था, दुर्भाग्य, कि ये तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊँ। कभी कहता है कि ये तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊँ। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ भी नहीं पाया हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियाँ प्रकट करूँ, ये तुम्हारे सामने अपनी कमियों को बताऊँ या लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार को एवं दुनिया से मुझे जो धोखे मिले हैं उन्हें तुम्हें बताऊं। कभी कहना चाहते हैं कि ये तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ भी नहीं पाया हूं। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां कैसे प्रकट करूं या लोगों के जो छल कपटपूर्ण व्यवहार को एवं दुनिया से मुझे जो धोखे मिले हैं उन्हें तुम्हें बताऊं। मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं? जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ बातें होती थी, उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? उन क्षणों को लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझसे सब कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। कभी अपनी आत्मकथा बताते हुए कहता है कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर कभी अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं
कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया। मतलब सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही, मतलब बाहों में आने से मतलब है कि वो मेरे जीवन में कभी आया ही नहीं, और आने से पहले ही वो मुझसे दूर चला गया। अर्थात मेरी जो अभिलाषाएं कभी सफल नहीं हुई, जो मेरी इच्छाएं थीं वो कभी सफल नहीं हुई। तो यहाँ पर कभी क्या कहना चाहते हैं कि वो बता रहे हैं कि उन क्षणों को मैं लोगों को क्यों बताऊं, मुझे उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। तो यहाँ पर कवि फिर से यही कहना चाहते हैं कि सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया। अर्थात मैंने जिसकी कभी इच्छाएं की थी, मैंने जिसकी कभी अभिलाषा की थी, वो कभी सफल नहीं हुई और मुझे कभी सुख की प्राप्ति हुई ही नहीं। तो मैं कैसे दुनिया के सामने उन बातों को रख दूं जिसके अरुण कपूलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। कभी कहना चाहते हैं कि अरुण कपूलों से मतलब है लाल गाल, मतवाली मस्त कर देने वाली, अनुरागनी ऊषा प्रेम भरी सुभा। कभी अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी लालिमा युक्त चेहरे को देखकर, अर्थात गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती ऊषा उदित हो रही हो, जैसे प्रेम बिखेरती ऊषा उदित हो रही हो, मतलब प्रातःकाल हो रहा हो, जिस समय प्रातः सुंदर होता है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, सूरज बड़ी लाल होता है उस समय पर, जिस समय प्रातः बहुत सुंदर होती है उसी प्रकार वह मुस्कुरा रही हो। अर्थात ऐसा लगता था जैसे ऊषा भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। आज मैं उसकी यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ, अर्थात उसी की यादों में मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी हुई हैं। जो मेरी यादें हैं मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ जो मैंने उसके साथ दिन बिताए थे। उसकी स्मृति पाथे बनी है, उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये सच नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो स्मृति से तात्पर्य है याद, और पाथे से तात्पर्य है संबल रास्ते का कलेबा। पथिक मींस होता है राहगीर, और पंथा मींस होता है रास्ता, और सीवन से तात्पर्य है सिलाई, कंथा है गुदड़ी, अंतर्मन या गुदड़ी, मौन में चुप रहना, और व्यथा में पीड़ा। तो मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए, मेरे जीवन में सुख के पल ऐसे कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सको, जिनसे तुम प्रेरित हो सको, या जिसको मैं तुम्हारे सामने कहूँ। इसलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़कर देखना चाहते हो, इसलिए क्यों मेरे जीवन की कहानी को उधेड़कर देखना चाहते हो, मेरे छोटे से जीवन में अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं अपने जीवन की उन सामान्य कथाओं या गाथाओं को कैसे कहूँ, मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरों के महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं। भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे, सुनकर मेरी आत्मकथा को क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरा दुख इस समय शांत है, वह अभी थककर सोया है, इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है।
मतलब लोगों द्वारा ये उन्हें प्रेरित करने पर कि आप अपनी आत्मकथा लिखो, उस पर वह अपनी रचना में बताना चाहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं, मेरी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सुनकर आप सब प्रेरित होंगे, इसलिए आप मुझसे मेरी आत्मकथा को लिखने के लिए मत कहो, क्योंकि मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो और अपने जीवन को उस आधार पर चलाओ, इसलिए क्योंकि तुम मेरे जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़कर देखना चाहते हो, इसलिए मुझसे बार बार ये बात कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। मेरे इस छोटे से जीवन में अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, बहुत बड़े बड़े दुख हैं जिसे मैंने सहा है। अपने जीवन की उन सामान्य कथाओं को मैं कैसे कहूँ, अर्थात इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है, इसलिए तुम बार बार मुझसे मेरी आत्मकथा को लिखने के लिए मत कहो। तो इसलिए आप देखें यहाँ पर कभी अपने जीवन में जो उसने अपने दुखों को भोगा है उनसे वो कितना व्यथित है, मतलब कितना दुखी है, तो उनको सबके सामने लाने से वो मना कर रहा है कि अभी मैं अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं लिखूँगा, अर्थात मैं वो आत्मकथा नहीं लिखूँगा, अभी वो लिखने का सही समय नहीं आया है।